Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to cover that bird's flight topic for you. As you people said that it is difficult, so I will try my best to make it easy for you. So we have two hypotheses regarding the evolution of flight. First hypothesis is crease down hypothesis, or other name for this hypothesis is arboreal hypothesis. Arboreal hypothesis ye kehti hai jo बर्ड्स के एंसेस्टर्स थे वो ट्रीज के ऊपर रहते थे और फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री वो ग्लाइड करते थे, और ग्लाइड करने के लिए ऑब्वियस है कि उन्हें हाई प्लेस पे जाना पड़ता था, फिर वहां से फिर वो जंप डाउन कर लेते थे, इसलिए इसको हम ट्रीज डाउन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अगर हम लिविंग एग्जाम्पल्स की बात करें तो आजकल हमारे पास अर्बोरियल स्क्विरल्स हैं जो कि ग्लाइडिंग करते हैं फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फ्लाइंग लिजर्ड के बारे में बताया था, तो लिजर्ड्स भी हैं जो कि ग्लाइडिंग कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग जो इस थ्योरी का सॉरी इस हाइपोथेसिस का सपोर्टर नजर आता है दैट इज ककापो बर्ड, जो न्यूजीलैंड का एक पैरट है, फ्लाइटलेस बर्ड है, 4 kg का वेट होता है। तो ये क्या करता है, ये ट्रीज के ऊपर क्लाइंब करता है अपने हाइंड लिम्स को यूज करके, और फिर फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री ग्लाइड करता है और अपने विंग्स को यूज करते हैं ताकि अपनी बॉडी को स्टेबल कर सके फ्लाइट के दौरान। इस हाइपोथेसिस की जो वीकनेस है वो ये है कि जो एंशियंट अर्बोरियल ड्रामासोर्स थे, जो कि अर्बोरियल ड्रामासोर्स थे ठीक है, उनके पास फेदर्स नहीं थे, तो एक प्रॉब्लम ये हो गई। सेकंड अगर हम बात करें माइक्रोरेप्टर स्पीशी की, जो कि रेप्टाइल है, ड्रामासोर भी रेप्टाइल है ओके, तो माइक्रोरेप्टर स्पीशी जो है ये ग्राउंड डिवेलिंग भी है और अर्बोरियल भी है, और बेसिकली ये हाइपोथेसिस सिर्फ अर्बोरियल स्पीशीज के लिए सपोर्टिंग है, मतलब जो भी स्पीशी थी वो अर्बोरियल थी यानी ट्री पे रहने वाली थी, नॉट ग्राउंड डिवेलिंग, तो इसलिए ये मतलब हाइपोथेसिस को बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। सेकंड हाइपोथेसिस हमारे पास है दैट इज नोन एज ग्राउंड अप हाइपोथेसिस, इसको हम कर्सोरियल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो कर्सोरियल हाइपोथेसिस ये कहती है कि हमारे पास रनिंग बर्ड्स थे विद प्रिमिटिव विंग्स, यानी उनके विंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे, उसको फ्लैप करते थे ताकि वो अपने आप को ग्राउंड से एयर की तरफ ले जा सके, मतलब जमीन से आसमान की तरफ जाने की कोशिश करते थे। अगर हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करें तो हम कहते हैं जो एंसेस्टर बर्ड्स थे वो बाइपेडल थे और ग्राउंड डिवेलिंग थे, यानी आपको जैसा मैंने पहले बताया वो रनिंग बर्ड्स थे। तो ये ग्राउंड पर रहने वाले एंसेस्टर बर्ड्स जो थे ये क्या करते थे, अपने फेदर्स को यूज करते थे, अपने फेदर वाले विंग्स को यूज करते थे ताकि वो इंसेक्ट्स को हंट कर सकें और उनको कैप्चर कर सकें, बिकॉज उस टाइम में जो एयर थी वहाँ पे बहुत सारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स मौजूद थे, यानी एयर एक रिच सोर्स ऑफ फूड था। फर्दर ये अपने विंग्स को यूज करते थे अपने आप को बैलेंस करने के लिए ताकि वो आराम से जंप करें और अपने प्रे को कैप्चर कर पाए। यही प्रिमिटिव विंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम साइज में इंक्रीज कर गए और डेवलप हो गए फॉर द पावर्ड फ्लाइट। अब उन्हें पावर्ड फ्लाइट में कोई मसला नहीं होता बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इसके अंदर इवोल्यूशन कर ली। इस हाइपोथेसिस के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। अगर हम अर्बोरियल हाइपोथेसिस को देखें तो वहां पे ग्रेविटी सपोर्ट कर रही थी, वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे थे, ऊंचाई से जमीन की तरफ आ रहे थे, तो वहां पे ग्रेविटी खुद उनको नीचे बुला रही थी। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, यानी उनको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। और अगर हम बात करें लिविंग एग्जाम्पल्स की तो हमारे पास कोई लिविंग एग्जाम्पल मौजूद नहीं है जो कि ग्राउंड से एयर की तरफ ग्लाइड करते हों, मूव करते हों, ठीक है। सो इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अर्बोरियल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि वो ज़्यादा करेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया जो ओरिजिन ऑफ फ्लाइट है और इसके ऊपर जो हाइपोथेसिस हैं उसकी प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अभी तक ये हाइपोथेसिस हैं, कोई साइंटिस्ट कहता है ये हाइपोथेसिस ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट बोलता है ये हाइपोथेसिस ठीक है, तो इसलिए डिबेट अब तक सेटल नहीं हुई। अगर हम बात करें तो बर्ड्स ने इवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट क्यों की, तो फर्स्ट बात कि उस टाइम जो स्पेस थी, एयर जो था वो रिच सोर्स ऑफ फूड था, वहाँ बहुत सारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स मौजूद थे, तो बर्ड से पहले या जो
एरियल रेप्टाइल्स हैं उनसे पहले कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं था जिसने इस सोर्स ऑफ फूड को यूटिलाइज किया। तो बर्ड्स या एरियल रेप्टाइल्स वो फर्स्ट मेंबर्स थे जिन्होंने इस सोर्स ऑफ फूड को यूज करने की कोशिश की। सेकंड, फ्लाइट ने उनको रैपिड स्केप प्रोवाइड किया अपने प्रीडेटर्स से। इसकी मजे की एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी स्पैरो के पास करीब जाते हो तो वो जल्दी से फ्लाई कर जाता है क्योंकि उसके लिए आप प्रीडेटर हो। तो इस तरीके से उस टाइम के बर्ड्स के लिए टेरेस्ट्रियल प्रीडेटर से अपने आप को बचाने के लिए ये एक सोल्यूशन था कि वो अपने आप को फ्लाई करें और प्रीडेटर से महफूज रहें। फर्दर उनको फ्लाइट ने एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की कि वो बेटर एनवायरनमेंट्स की तरफ जा सकते थे, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते थे। बेटर एनवायरनमेंट में उनको अच्छे ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिल गए जहाँ पे वो प्रॉपरली अपने ऑफस्प्रिंग को नरिश कर सकते थे, उनकी प्रॉपर केयर कर सकते थे और ज़्यादा अच्छे फूड सप्लाईज उनको मिल सकते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया में विंटर है तो दूसरे एरिया में तो समर होगी या स्प्रिंग होगी, तो वहाँ पर मूव करके उन तमाम फूड सोर्सेस को यूज़ कर सकते थे। फेदर्स जो हैं फ्लाइट के अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम करते हैं, वो ये है थर्मोरेगुलेटरी जो सेटअप है एनिमल का उसमें उसको हेल्प करते हैं, यानी मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर में भी फेदर्स का रोल है। ना सिर्फ फ्लाइट में बल्कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी फेदर्स बर्ड को हेल्प करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है जो कि ये बता सके कि जो फर्स्ट बर्ड के एंसेस्टर्स थे वो विंग जो उनके थे वो मेम्ब्रेन ओरिएंटेड थे, मेम्ब्रेन से बने हुए थे, जिस तरीके से हमारे पास बैट्स आ जाते हैं या टेरोसॉर्स आ जाते हैं जिनके जो विंग्स थे वो क्या थे, मेम्ब्रेन से बने होते थे। तो हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है कि हम ये कहें कि जो बर्ड्स हैं ये विंग जो मेम्ब्रेन वाले विंग्स हैं इनसे अराइज हुए हैं। ठीक है, ये जो फेदर्स हैं वाले विंग्स हैं ये मेम्ब्रेन विंग्स से अराइज हुए हैं, इसके हवाले से हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जो विंग्स होते हैं दे आर द एक्चुअल डिवाइसेस जो बर्ड को हेल्प करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए और फ्लाई करने में भी। सो हम इसीलिए बर्ड के विंग्स को लिफ्ट डिवाइसेस भी बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों काम कर लेते हैं, ये बर्ड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी लेके जाते हैं और साथ साथ लिफ्टिंग में भी हेल्प करते हैं। तो एक विंग दोनों काम अदा करता है। फ्लाइट अचीव करने के लिए बर्ड को दो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना होता है। एक प्रॉब्लम उनकी अपना जो वेट है उसको ओवरकम करना हो, उसके लिए उन्हें ज़्यादा जो लिफ्ट फोर्स है उसको इंक्रीज करना हो ताकि वो अपने बॉडी को लिफ्ट कर पाएँ। अगर वेट ज़्यादा होगा तो लिफ्ट फोर्स बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा। अगर ज़्यादा लिफ्ट फोर्स जनरेट करते हैं अपने वेट से तब जाके फ्लाइट अचीव होगी, तब जाके लिफ्ट अचीव होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या ओवरकम करना है, द फोर्सेस ऑफ ड्रैग एंड फ्रिक्शन, वो फोर्सेस जो कि इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, उनको रोक रहे होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो उन्होंने क्या करना है, प्रोपल्शन फोर्स या फॉरवर्ड मोशन फोर्स को इतना ज़्यादा करना है कि वो ओवरकम कर सके फोर्सेस ऑफ ड्रैग एंड फ्रिक्शन को, तब जाके फ्लाइट अचीव होगी। जब इन दोनों प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व कर लिया, यानी वेट के लिए उन्होंने लिफ्ट फोर्स को इनक्रीज कर दिया, फ्रिक्शन के लिए उन्होंने प्रोपल्शन फोर्स को इंक्रीज कर दिया, तब जाके फ्लाइट अचीव होगी बर्ड के अंदर। विंग के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है, लोअर एंड उसका स्लाइटली कनकेव होता है, ठीक है, और उसका अदर नेम हम बोलते हैं कैम्बर्ड, और बहुत स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो ये नेगेटिव कैम्बर्ड होता है बिकॉज दे हैव कनकेव लोअर स्ट्रक्चर। स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए नेचर ने क्या किया है, इनके विंग्स के ऊपर स्मॉल टाइट फिटिंग फेदर्स मौजूद होते हैं जिसको हम कवर्ड फेदर्स बोलते हैं, और ये लीडिंग एज पे मौजूद होते हैं। दिस इज द लीडिंग एज एंड दिस विल बी द ट्रेलिंग एज। तो इस तरीके से उनके विंग को स्ट्रीमलाइन बनाया गया है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, इजली फ्लाई कर पाए बर्ड। अगर ये स्ट्रीमलाइन ना होती तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती, और जब बहुत ज़्यादा फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन होती तो ऑब्वियस है फ्लाइट का जो मकसद है वो अचीव ना होता, बर्ड फ्लाई ना कर पाती। जो बर्ड का आउटर पार्ट है, ठीक है, जो आउटर पार्ट है बर्ड का वो मॉडिफाइड हैंड बोन्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, तमाम हैंड बोन्स और जो डिजिट्स होते हैं नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फेदर्स अराइज हैं, और ये प्राइमरी फेदर्स फिर क्या करते हैं, प्रोपल्शन प्रोड्यूस करते हैं, थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये प्राइमरी फेदर्स
रोल अदा करते हैं। इनर पार्ट की बात की जाए, जिस तरह मैंने आपको बताया था उनका कनकेव लोअर सरफेस होता है, तो वो क्या करते हैं, वो लिफ्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी फेदर्स होते हैं, ये वाले सेकेंडरी फेदर्स, ये फोर आर्म बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये भी बर्ड को सपोर्ट कर रहे होते हैं फ्लाइट के दौरान। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मसल्स। मसल्स के बगैर तो बेचारा बर्ड फ्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोन्स मसल के साथ अटैच होते हैं, और जब मसल्स होंगे तो तभी उनके अंदर मोशन आएगी, अदरवाइज बोन अपनी जगह पर स्टिल रहेंगे और फ्लाइट अचीव नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मसल्स हैं जो कि बर्ड को हेल्प करते हैं फ्लाइट में। विंग को अगर लिफ्ट क्रिएट करना हो या जनरेट करना हो तो उसके लिए उसको दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं। वो एक रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, एयर डिफ्लेक्शन, एंड द अदर थिंग इज प्रेशर। अब इस रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बर्ड क्या करता है कि अपने विंग को एक खास एंगल पे रखता है। फॉर दिस वो अपना लीडिंग एज थोड़ा सा हायर रखता है और जो अपना ट्रेलिंग एज है उसको थोड़ा सा लोअर रखता है। जब ये एंगल अचीव हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि एयर मूव्स करती है विंग के ऊपर से। अब आप यहाँ पे देखो, एयर जब जैसी विंग के साथ टकराती है तो वो स्प्लिट हो जाती है, आधी एयर टॉप से मूव करेगी, आधी आधी जो एयर है वो बॉटम की तरफ से मूव करेगी और फाइनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जैसी एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है, बैक साइड पर जा रही होती है, तो विंग जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। जब एयर बैक साइड पे जा रही है तो विंग जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अब एक और मजे की बात मैं आपको ये बता दूं, जब एयर स्प्लिट हो रही होती है तो ऊपर की साइड पे जो एयर है वो फास्ट मूव करेगी, वहां पे कोई प्रेशर डेवलप नहीं होगा, वहां पे प्रेशर जो होगा वो लो होगा। जो हमारे पास लोअर साइड है वहां पे एयर स्लोली मूव करती है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रेशर जो होता है वो विंग को बेसिकली लिफ्ट कर रहा होता है, जो लिफ्टिंग फोर्स है प्रेशर की वजह से जनरेट हो रही है। और यहाँ पे जो एयर मूव कर रही है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो एक काइंड ऑफ यहाँ पे भी एक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्सेस आपको नजर आती हैं। ड्यूरिंग द फ्लाइट अगर आप देखो तो विंग का फ्रंट साइड है वहां पे, चूंकि एयर जब टकराती है विंग के साथ तो वहां पे भी प्रेशर हाई होता है, और उसका लोअर साइड पे भी प्रेशर हाई होता है। जिसके अबव साइड है वहां पे प्रेशर कम होगा, और बॉटम साइड सॉरी जो उसका ट्रेलिंग एज है पीछे वाला जो एरिया है वहां पे भी प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने की वजह यही है कि यहाँ पे जो एयर है वो फास्टली मूव करती है तो प्रेशर कम है, यहाँ पे एयर स्लोली मूव करी तो काफी प्रेशर डेवलप हो जाता है, ऊपर से विंग का स्ट्रक्चर भी कनकेव लाइक है तो काफी प्रेशर को अकोमोडेट कर देता है। तो यही प्रेशर पर क्या कर रहा होता है, लिफ्ट में हेल्प कर रहा होता है। और जो एयर बैक साइड में मूव कर रही होती है वो विंग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, और जो प्रेशर है वो विंग को लिफ्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। और ये तमाम चीज उनके इस विंग के एंगल की वजह से अचीव हो रही है। अगर हम इनर्शिया की बात करें फास्ट मूविंग की, तो इनर्शिया को तो आपको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहती है, अ थिंग इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल बी रिमेन इन रेस्ट एंड अ थिंग इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल अनलेस एक्टेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एयर पे अप्लाई हो नहीं रही, तो एयर जो है कंटिन्यूसली विंग के ऊपर से मूव करती रहेगी और उसकी ट्रेलिंग एज पे जाके वो डाउनवर्ड मूव करेगी, एंड अल्टीमेटली क्या करेगी, बर्ड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी पुश करेगी, और फर्दर एयर ही की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है तो विंग जो है वो लिफ्ट भी होगा। तो इनर्शिया यही कहता है कि चीज़ जो भी है वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी, या अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी अनटिल अनलेस किसी फोर्स से उसको डिस्टर्ब ना किया गया हो। तो यहाँ पे कोई फोर्स के ऊपर एक्ट नहीं हो रही, तो एयर कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, कंटिन्यूसली लिफ्ट जनरेट होता रहेगा, कंटिन्यूसली जो विंग है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो ये कहानी है सिंपल। फ्लैपिंग ऑफ फ्लाइट में हमारे पास डाउन स्ट्रोक एज वेल एज अप स्ट्रोक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी मदद से हमें वर्टिकल लिफ्टिंग फोर्स भी अचीव होती है, यानी बर्ड जो होता है स्काई की तरफ मूव करता है, और साथ ही साथ हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्टिंग फोर्स भी अचीव होती है, यानी बर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बर्ड्स के जो आउटर विंग होते हैं डाउन स्ट्रोक में थोड़े से डाउनवर्ड मूव करते हैं और साथ ही साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। आउटर विंग्स की बात हो रही, जिस तरीके से मैंने आपको इनिशियल स्लाइड में बताया था कि आउटर विंग्स थ्रस्ट या प्रोपल्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इनर पार्ट होता है वो लिफ्टिंग प्रोड्यूस करता है, जो आउटर पार्ट होते हैं वो प्रोपल्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में बर्ड को पुश करता है।
जो मेन रोल्स हैं उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या करना होता है, अपने लीडिंग एज को थोड़ा सा लोअर साइड पे करना होता है और जो उनका ट्रेलिंग एज है उसको थोड़ा सा अपर साइड पे करना होता है। ये कंडीशन जैसे ही मेट होती है उसके बाद क्या होता है, जो एयर होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश होगी और जिस तरीके से प्रोपेलर होता है, प्रोपेलर जो स्ट्रक्चर्स हैं आपने अक्सर प्लेन्स देखे होंगे आगे फैंस लगे होते हैं, तो फैंस क्या कर रहे होते हैं, एयर को बैक साइड पर पुश कर रहे होते हैं और प्लेन जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होता है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। तो एयर बैक साइड पर जाएगा तो बर्ड हो गया या प्लेन हो गया, तो कहाँ पर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब इन्होंने अप स्ट्रोक करना होता है तो विंग्स स्लाइटली फोल्ड हो जाते हैं। तो फोल्ड होने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी लिफ्टिंग भी प्रोड्यूस होगी। मतलब वो प्रॉपर लिफ्टिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अपने विंग को क्या किया, फोल्ड किया हुआ है। और वापस फिर जब ओरिजिनल कंडीशन में जाते हैं फिर जाके जो रियल लिफ्टिंग है वो अचीव होती है। लेकिन हमारे पास जो लार्जर बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, अपने विंग को प्रॉपरली रोटेट कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको एडिशनल लिफ्टिंग मिल जाती है अप स्ट्रोक के दौरान, और साथ ही साथ वो अपने जो वेट के प्रॉब्लम है, जो उनका ज़्यादा वेट है, जो ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रहा है, उसको भी ओवरकम कर लेते हैं। ये तमाम कंडीशंस फ्लैपिंग ऑफ फ्लाइट में वो ओवरकम कर पाते हैं। अगर हम उन बर्ड्स की बात करें जो कि एयर में एक जगह स्टिल रहते हैं और आराम से या तो ईटिंग कर रहे होते हैं या फ्लावर्स में से नेक्टर सिप कर रहे होते हैं, जिस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल है हमिंग बर्ड्स की, तो ये बर्ड्स बेसिकली इनकी फ्लाइट इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि इनके पास अप स्ट्रोक जो होती है काफ़ी पावरफुल होती है। इसके लिए इनके मसल इनको सपोर्ट करते हैं, फर्दर इनकी जो विंग्स की बिल्ड है वो इनको सपोर्ट कर रही होती है। ये विंग्स जो है इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो बर्ड है जो कि होवर कर रहे होते हैं यानी एक जगह स्टिल रहते हैं एयर में, तो ये अपने आप को स्टिल रखने के लिए क्या करते हैं कि अपनी जो ओरिएंटेशन है विंग की वो फौरन चेंज कर लेते हैं, और जिसका पर्पस ये होता है कि वो लिफ्ट प्रोड्यूस करें ना कि थ्रस्ट। थ्रस्ट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे, सिर्फ लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं और अपने आप के लिए जो भी फूड होता है या नेक्टर होता है आराम से सिप कर रहे होते हैं फ्लावर में से। तो ये तमाम कमाल जो है इनके मसल्स का है, और साथ ही साथ इनके जो मसल्स होते हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं जो कि इस तरीके की फ्लाइट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और फर्दर इनके जो विंग्स की बिल्ड है वो भी इसको हेल्प कर रही होती है इस तरीके से फ्लाई करने में। तो इंशाल्लाह इसकी जो विंग है इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। बात कर लेते हैं विंग के मोशन की एट डिफरेंट स्पीड। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो। ये रेशियो हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ अटैक एंड एयर स्पीड। अमूमन क्या होता है, जब स्पीड हाई होती है तो हमारे पास जो ड्रैगिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स है वो कम होती है, यानी जो स्पीड है और जो ड्रैग के बीच में रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस सिचुएशन में हमारे पास सफिशियंट लिफ्ट भी जनरेट हो जाती है और जो एंगल ऑफ अटैक है वो मिनिमम होता है। ठीक है, द सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है, जब स्पीड लो होगी और ऑब्वियस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैंने आपको बोल दिया, तो क्या होगा, ड्रैग ज़्यादा होगा, और इस सिचुएशन में फिर क्या होता है, लिफ्ट इंक्रीज करने के लिए एंगल ऑफ अटैक को ज़्यादा करना पड़ता है। अगर एंगल ऑफ अटैक को ज़्यादा नहीं करेंगे तो फ्लाइट क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, बर्ड जो है वो फॉल करने लग जाएगा। और अगर एंगल ऑफ अटैक 15 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, शार्प से मुराद के बहुत हाई हो जाता है, और उस टाइम फिर जो अपर सर्विस होती है विंग की वहाँ पे टर्बुलेंस कॉज होगी, और टर्बुलेंस क्या करती है, बर्ड के फ्लाइट को स्टॉप करने की कोशिश। स्टॉलिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाना, रुक जाना, तो ये बर्ड क्या करती है, उसको स्टॉल करने पर मजबूर करती है। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, जो एयर में डिस्टर्बेंस जनरेट हुई है उसको हम टर्बुलेंस बोलते हैं। अब स्टॉलिंग को प्रिवेंट करने के लिए बर्ड्स ने डेवलप किया है विंग स्लॉट। विंग स्लॉट जो है अमूमन लीडिंग एज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनका पर्पस ये होता है कि एयर को डायरेक्ट करेंट वर्ड दी ट्रेलिंग एंड, ताकि टर्बुलेंस कम से कम जनरेट हो। कुछ बर्ड्स ने क्या किया कि उन्होंने एरियोला डेवलप किया होता है, वो स्मॉल फेदर्स का एक ग्रुप है जो कि थंब डिजिट से अराइज होते हैं और मिड विंग स्लॉट का काम अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो प्राइमरी फेदर्स के बीच में गैप होते हैं वो विंग टिप स्लॉट का काम करते हैं। ये दोनों मिड विंग स्लॉट और विंग टिप स्लॉट, इन दोनों का पर्पस ये होता है कि स्टॉलिंग को
प्रिवेंट करें और जो टर्बुलेंस जनरेट हो रही होती है उसको मिनिमाइज करें। जो विंग टिप वर्टिसेस है ये अमूमन जनरेट होते हैं जब बर्ड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में हो और काफ़ी ज़्यादा ड्रैग डेवलप हो रहा हो। ये वर्टिसेस आमतौर पे जो एयर के सर्कल्स बन रहे होते हैं, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दीज आर द एयर सर्कल्स, को वर्टिसेस बोलते हैं। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए बर्ड ने क्या किया कि अपने जो विंग के टिप्स हैं उनको पॉइंटेड कर दिया, एंड द सेकेंड थिंग अपने विंग के साइज को लेंथी कर दिया, लॉन्ग विंग्स बना दिए। जब लॉन्ग विंग्स होते हैं तो हाई एस्पेक्ट रेशियो विंग्स हमारे पास अचीव हो जाता है। हाई एस्पेक्ट रेशियो विंग्स वो वाली विंग्स होती है जिनकी लेंथ ज़्यादा हो और वो नैरो हो अमूमन, ठीक है। तो विंग्स का अगर साइज ज़्यादा होगा, लेंथी साइज होगा, तो क्या होता है, एरिया ज़्यादा होगा। जब एरिया ज़्यादा होता है तो फिर वर्टिसेस नहीं बनते। तो सिंपल सी कहानी है स्टॉलिंग के हवाले से, अगर स्टॉलिंग अवॉइड करनी है तो उन्हें विंग स्लॉट का सहारा लेना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स के विंग्स हमारे पास मौजूद हैं और सब विंग्स का पर्पस ये है कि वो डिफरेंट हैबिटेट को एक्सेस कर सकें, और फिर हर विंग के अपना एरोडायनामिक रिक्वायरमेंट है। अब डिस्कस कर लेते हैं एलिप्टिकल विंग को। एलिप्टिकल विंग वो बर्ड्स यूज करते हैं जो कि स्किल्ड होते हैं फॉरेस्ट में रहने के लिए, बुशी हैबिटेट्स में रहने के लिए। और इन विंग्स की अगर बात की जाए तो ये आमतौर पर लो एस्पेक्ट रेशो इनका होता है। इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था हाई एस्पेक्ट रेशो, तो हाई एस्पेक्ट रेशो में क्या होता है, विंग्स लेंथी होते हैं और नैरो हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इनकी लेंथ कम होगी और विड्थ ज़्यादा होगी, जिस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा विड्थ ज़्यादा है और लेंथ कम है। फर्दर इन विंग्स के पास एल्यूला भी होता है और गैप्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके प्राइमरी फेदर्स में। तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, इससे स्टॉलिंग प्रिवेंट की जाती है जब वो लो स्पीड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, तो स्टॉलिंग को भी प्रिवेंट करेंगे और साथ ही साथ ये इनको सपोर्ट करता है जल्दी से टेक ऑफ करने में, जल्दी से उड़ने में इनको हेल्प करेगा, जल्दी से लैंडिंग में इनको हेल्प करेगा। तो तमाम कंडीशंस जो हैं इनके इन विंग की वजह से पॉसिबल होते हैं। फिर हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं स्मॉल चिकडे की। ये अमूमन 0.03 सेकंड के अंदर अपने क्लाइंट्स को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो इतना मतलब फास्ट है, और ये तमाम विंग्स जो हैं इन बर्ड्स को सपोर्ट करते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हों या बुशी हैबिटेट्स में रहते हों। बात कर लेते हैं उन विंग्स की जो बर्ड को हेल्प कर रहे होते हैं वाइल्ड फीडिंग या लॉन्ग माइग्रेशन में बर्ड को हेल्प करते हैं। उन विंग्स को अमूमन हम हाई स्पीड विंग्स बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है स्वीप बैक होता है, जो ट्रेलिंग एंड है उस तरफ से अगर आप देखें तो ये जो स्लांट लाइक कंडीशन, इसको हम बोलते हैं स्वीप बैक। और इसके विंग्स जो होते हैं टैपर होते हैं, टैपर का मतलब प्रोग्रेसिवली स्मॉल होना, टैपर होते रहते हैं और फिर फाइनली स्लेंडर हो जाते हैं। मकसद क्या होता है, टिप वर्टिसेस की जो टर्बुलेंस बन रही होती है, वो जो एयर के सर्कल्स बन रहे होते हैं उसको रिड्यूस करना, ताकि वो प्रॉब्लम कॉज ना करे ड्यूरिंग द फ्लाइट। ये विंग्स अमूमन हाई एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर मतलब बिल्ड हैं, क्योंकि इनकी लेंथ अगर आप देखें ज़्यादा है और विड्थ जो है वो कम है। और यहाँ पे आपको विंग स्लॉट्स भी नज़र नहीं आएंगे, जिस तरीके से हमने एलिप्टिकल विंग्स में देखे। और विंग स्लॉट का मकसद क्या होता है, स्टॉलिंग को प्रिवेंट करना, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। एरोडायनेमिकली इफिशेंट है फॉर द हाई स्पीड फ्लाइट्स, हाई स्पीड में ये विंग्स काफ़ी मतलब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं लो स्पीड की, तो वहाँ पे इनको ज़रा टफ टाइम देना पड़ता है अपने आप को स्टेबल करने में या अपने आप को फ्लाई करने में। हमिंग बर्ड की अगर बात की जाए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि वो अपने विंग्स को रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मसल्स, उनका स्पेशल वे है जिसकी मदद से अपने लिफ्ट को और अपने जो एयर में स्टिल रहने की एबिलिटी है, तो उसके अंदर मसल्स का रोल है और उनके स्पेशल विंग्स का रोल है। तो ये विंग्स हैं जो सपोर्ट कर रहे थे, और उनकी जो पावरफुल मसल्स होते हैं वो उनको बेसिकली हावर रखते हैं। सैंड पाइपर की अगर बात की जाए तो वो 175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं, और इन अदर वर्ड्स 109 माइल्स पर आवर स्पीड जो है बर्ड की, ये बताया गया है इस स्लाइड के अंदर कि इनकी ये स्पीड है। और बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया, ये विंग्स जो हैं हाई स्पीड फ्लाइट के लिए डेवलप्ड हैं, उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। स्लो स्पीड के ऊपर इनको टफ टाइम देना पड़ता है, वहाँ पे इतने कामयाब नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इनको पेश आती है। और इसके अलावा हाई एस्पेक्ट रेशियो की हमने बात कर ली, और इसके स्ट्रक्चर की बात की कि ये स्वीप बैक स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्ड है।
बात कर लेते हैं उन बर्ड्स की लाइक अल्बेट्रोसिस, गैनेट्स और तमाम ओशियनिक सोरिंग बर्ड्स की, जिनकी विंग्स अमूमन डायनामिक सोरिंग विंग्स होते हैं। ये अमूमन लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, यानी हाई एस्पेक्ट रेशियो विंग्स हैं। इसके ऊपर आपको कोई विंग स्लॉट नजर नहीं आएगा। इनकी स्पीड हाई होती है, हाई लिफ्टिंग प्रोवाइड करती है और डायनामिक सोरिंग में भी हेल्प करती है। डायनामिक सोरिंग वो फ्लाइट होती है जो आप विंड के सहारे करते हो और इसमें एनर्जी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो विंड के साथ ये बर्ड्स फ्लाई करते हैं। इनकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी हाई होती है। इनका डिज़ाइन इस तरीके से बिल्ड है कि इनको सपोर्ट करे, लेकिन इनको फ्री मोबिलिटी नहीं मिलती, इतनी आज़ादी नहीं कि अपनी मर्जी से डायरेक्शन इतने ईजिली चेंज कर लें। ये बर्ड्स सी के जो विंड्स होते हैं या एयर करंट्स होते हैं रिलायबल, उसके ऊपर क्या करते हैं, रिलाई करते हैं ताकि अपने फूड को हंट कर सकें, और साथ ही साथ उसी के मदद से डाइव करते हैं, यानी डाउनवर्ड मूव करते हैं, और फिर उसी विंड के सहारे क्या करते हैं, अपने आप को राइज करते हैं, वापस एलिवेट करते हैं। ये पिक्चर जो है गैनेट की पिक्चर है, और आई होप आप लोगों ने वीडियो में गैनेट्स को देखा हो, वो कैसे डाइविंग वगैरह करते हैं। तो ये सिंपल सी कहानी है डायनामिक सोरिंग विंग्स की। बात कर लेते हैं हाई लिफ्ट विंग्स की। इनका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द इलिप्टिकल विंग्स एंड हाई एस्पेक्ट रेशियो विंग्स, यानी ना विंग्स इनके बहुत लंबे होंगे ना बहुत शॉर्ट होंगे, मिडल में होंगे। जितने भी हमारे पास बर्ड्स ऑफ प्रे हैं लाइक वल्चर्स, हॉक्स, ईगल्स, इन तमाम के पास ऐसे विंग्स होते हैं। इसके ऊपर आपको स्लॉट्स भी नजर आएंगे, एल्यूला भी नजर आएगा, और यहाँ तक कि प्रोनाउंस कैम्बर यानी कनकेव पोर्शन जो विंग के नीचे होता है वो भी इतना विजिबल होता है, जो कि इन्हें हेल्प करता है कि स्लो स्पीड के ऊपर भी हाई लिफ्ट प्रोड्यूस करे। तो इस तरीके से इनके विंग्स जो हैं वो डेवलप्ड हैं। ये देखें, आपको यहाँ पे एल्यूला नजर आ रहा होगा, और ये इसके तमाम विंग स्लॉट्स हैं। जितने भी हमारे पास ये बर्ड्स हैं ज्यादातर लैंड सोलर्स होते हैं, यानी लैंड के ऊपर विंड का फायदा उठाते हैं और अपने जो फ्लाइट है उसको मैनेज कर लेते हैं, उसको सेंस कर लेते हैं कि किस तरीके की एयर है, और उसके मुताबिक अपनी डायरेक्शन को उस एयर करंट के मुताबिक चेंज कर लेते हैं जो कि लैंड पर उनको उस वक्त अवेलेबल होती है। तो ये बकायदा लैंड के एयर को फायदा उठाने वाले बर्ड्स ये हैं, और जो समंदर के ऊपर जो ओशंस के ऊपर जो फायदा उठा रहे होते हैं विंड का, वो हमारे पास डायनेमिक विंग सोलर्स हैं जिस तरह गैनेट्स वगैरह। तो ये स्टोरीज थी इन बर्ड्स की।